हाय हाय गाइस, गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम और है मेरा खुरम। नाम है वजह। तो यार भगवान विष्णु जी जलंधर बन के माता जी के पास तो गए, अब आगे देखते आगे होता है हाँ क्या। तो इन्होंने ये क्यों, ये तो आगे हाँ बात कौन सी करेंगे तब लीला भी है? बिल्कुल, तो तभी पता लगे कौन कर दे स्टार्ट। इधर से माता जी ने भगवान शिव जी को भी शांत करना है। शायद इन्होंने जो जांच पूछा करी है वो लोकेशन भी पता लग गया। भगवान शिव होता है, भगवान शिव जी को क्या चीज नहीं पता, ये भी बात है। लेकिन ये उनसे काल्पनिक है ना। हाँ पता ही नहीं चल। अरे अरे अरे, आंखें बंद। माता जी बस जल्दी से ठीक हो गई। अरे अरे खोली 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 होगी। कुछ किया भगवान शिव जी ने? ओ माता जी का पता लग गया, ओ माता जी का पता लग गया। अरे नहीं, भगवान शिव जी जो शांत है ना, उसके बाद भगवान जी ने शायद वो माता जी को पता लगा उसके बाद उन्होंने शायद शांत होने के बाद समाधि से उठे ना, उसके बाद फौरन क्रोध जो हो गया थी आग ना। सारे प्रणाम कर रहा हूँ। भाई अपनी लीला खेलने जाएंगे। आई थिंक भगवान शिव जी ने फिर आंखें बंद। अंतिम विधि, आपको मेरे साथ नारायण की मूर्ति की प्रदक्षिणा करनी होगी। ये कहीं भगवान शिव जी तो नहीं देख रहे? जिसमें मैं स्वीकार करूंगी कि आप मुझे परम प्रिय हैं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। पूजा पूर्ण होने के उत्साह में मैं आपको तिलक लगाना तो भूल ही गई। अब क्या होगा? भगवान शिव जी को पता चल गया है। अब भगवान कृत्य के दुर्गामी परिणाम होंगे। ये क्या बोला है भगवान शिव जी ने? परिणाम होंगे। वर्षों की भक्ति, समर्पण, विश्वास का एक ऐसा पारितोषिक दिया आपने। आदर सत्कार करने के अवसर देना भी उचित नहीं समझा। क्या कभी रह गई थी मेरी भक्ति में? माता जी इन्हीं की सारी मतलब भक्ति करती थी सारी। क्या दोष हो गया था मेरी पूजा में? ये देख, तभी तुमको आठ हो रहे थे ना, ये
कौन सी भगवान तो की स्वामी की रक्षा करना चाहती थी यार, वो फिर करना भी फिर जरूरी था, तो इससे हुआ क्या? अब उसको मेरे स्वामी असुरक्षित है। देखा, उसको सुरक्षित नहीं हुई ना सुरक्षा। और इसी एक क्षण में मेरे पतिव्रता धर्म को भंग कर दिया गया। वो भी मेरे राजा द्वारा। भगवान जी क्या कर रहे थे ना? मेरी पवित्रता को मैलिन किया भी तो किसने? जिन्हें पवित्रता की पराकाष्ठा मान कर संसार पूछता है। यार इसी में कोई ये तो होगा, सारी बात ये तो आगे पता चले। ये भी हाँ, संसार का एक तो होगा। जीवन यही सोचती थी, जो होता है फिर अच्छे के लिए होता है ना यार, हर चीज देखने आगे तो पता चले। मेरे भक्ति से प्रसन्न होकर मुझे दर्शन देगी। भाई जलंधर जीवन सफल हो जाएगा। सोचती थी नेत्रों को जब उनका साक्षात्कार होगा तो अश्रुधाराएं बहने लगेंगी। कल्पना भी नहीं की थी कि मेरा स्वप्न इस तरह सत्य होगा। नहीं नारायण, कुछ मत कहिए। ये कहते हुए अपने आप से घृणा हो रही है मुझे, किंतु सत्य यही है। आज पहली बार स्वामी का आपके प्रति अविश्वास उचित प्रतीत हो रहा है। आपकी भी तो पत्नी है ना, एक क्षण के लिए भी आपने नहीं सोचा किसी और की पत्नी के साथ ऐसा अनर्थ कैसे कर सकते हैं? लेकिन इसी में दुनिया का हित है ना, यही तो बात है। जलंधर कोई चीज नहीं मिलनी चाहिए, जब मिल जाती वो सुरक्षित हो जाता है। तो दुनिया के हित के लिए करना पड़ता है। कैसी मूर्ख हूँ मैं, नारायण से अपेक्षा कर रही हूँ। नारायण की मूर्ति भी टूट गई है ना? अब तो त्रिमूर्ति है। भक्ति बहुत बड़ी, समझ इनकी भक्ति में अब तो नहीं रही है। ये तो मुझे लगता है आपकी तुलना में हम तो नीच स्तर के प्राणी हैं। हमारे दुख एवं हमारी पीड़ा की अनुभूति आपको कैसे होगी? होगी। एक दिन अवश्य होगी। यार यहाँ तो मामला कुछ खराब हुआ हुआ जारी बात यार है। यार देख ना, वृंदा जी ने बोला है ना कि आपने एक दफा भी नहीं सोचा कि आपकी भी बीवी है, आप मेरे साथ ऐसा अनर्थ कर रहे हैं, आपने एक दफा भी नहीं सोचा। और कह रही कि आपको भी होगी ये पीड़ा। हाँ, ये और कह रहा कि मेरे स्वामी का आप पे विश्वास जो ना करना था वो सही था। वो सही था यार। देखो ये देख, अब माता वृंदा जी कितनी बड़ी भागती, अब वो उनके दिल में ये चीज आ गई है। लेकिन यार दुनिया का इसमें भी ये था, क्योंकि अगर जलंधर को होता तो उसको कवच मिल जाता, एक किस्म प्रोटेक्शन मिल जाती। यार देखो भगवान विष्णु जी का करना ये बहुत ज्यादा जरूरी था, अगर उसको प्रोटेक्शन मिल जाती तो कोई मार ही ना पाता। भगवान विष्णु जी जो लीला खेलते हैं वो हमें समझ नहीं आती। अभी तो हमें लग रहा है कि चलो ठीक नहीं हो वृंदा जी, लेकिन वो बाद में पता चल जाता है कि भगवान विष्णु जी लीला क्यों खेली, क्योंकि हमें लग रहा है जलंधर जी जो है ना वो गए थे गुरु जी का, भगवान शिव जी का रूप लेकर ना माता पार्वती जी के सामने।
अच्छा हाँ, वो जारी वो नहीं गुफा में एंटर हुए थे याद है तुझे, वो गुरु जी का महादेव जी का। तो इधर भगवान विष्णु जी इधर आए, लेकिन ये क्या लीला, ये तो आगे समझ आएगी क्योंकि उधर से सीधी सीधी बात है, इनका पवित्र हो गई है ये, उन्होंने खुद बोला मेला कर दिया, मेला कर दिया, सीधी सीधी बात, अब उसको प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती इनकी, जो भी है वो उस तरह नहीं हो सकती है। आई थिंक भगवान विष्णु जी का यही मकसद था कि भाई कि उसको प्रोटेक्शन ना मिले। और देखो उधर भगवान शिव जी को भी सब पता चल गया जो भगवान विष्णु जी ने किया, लेकिन उन्होंने बोला कि इसका परिणाम आगे भुगतना पड़ेगा। हाँ देखो क्या है वो? ये क्या चीज है, ये तो आगे पता चलेगा, जाहिर बात है अभी हम सोच के जो ना कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप आगे देखते आगे होता है क्या, तो बाय।